क्वेश्चन नंबर सिक्स, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान यहां पर 3.14 दिया है और थ्री का मान यहां पर 1.73 दे रखा है। एक वृत्त है, त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ओए और ओबे कितना है 15 सेंटीमीटर, थीटा कितना 60 डिग्री। तो हमें क्या फाइंड करना है, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो लघु वृत्तखंड क्या होगा, ये होगा, ये एरिया क्या होगा एपीबी, लघु वृत्तखंड होगा तो ये होगा हमारा एपीबी, है ना, लघु वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड का फिगर क्या होगा, ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा दीर्घ वृत्तखंड। तो यहां लिखेंगे क्या दे रखा है, आर बराबर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 डिग्री। तो लिखेंगे लघु वृत्तखंड एपीबी का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला आर स्क्वायर पाई थीटा बटे में 360 डिग्री माइनस साइन थीटा बाई 2। आर कितना है 15 मल्टीप्लाई 15, पाई का मान 3.14, थीटा कितना है 60 डिग्री बाई 360 माइनस साइन 60 बाई 2। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 में 15 से 225, ये देखो जीरो से जीरो कैंसिल, 6 से कट जाएगा 6 बार में, 2 तिया 6, 2 से कटेगा 1.57, तो यहां लिखेंगे 1.57 अपॉन 3 माइनस साइन साइड क्या होता है रूट 3 बाई 2 होता है, तो 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहां होगा 225 मल्टीप्लाई 1.57 बाई 3 माइनस रूट 3 का मान यहां पर क्या दिया 1.73 ना, रूट 3 का मान दिया है 1.73 और 2 को दो 4। तो अब देखो यहां पर 225 मल्टीप्लाई 3 और 4 कैंसिल 12 होगा 12 होगा, अब 3 से भाग करेंगे 12 में, 3 चौके 12 4 बार में, 4 से गुणा करेंगे इसमें, 4 से 28, 4 5 20 2 22, 4 कम 4 और 2 6, फिर 4 से 12 में भाग करोगे 4 3 बार, 3 बार में 3 से गुणा करेंगे 3 3 9, 3 7 21, 3 कम 3 और 2 5, दशमलव लगाएंगे 2 अंक के पहले यहां पर। फिर क्या लिखेंगे यहां, 225 मल्टीप्लाई माइनस करेंगे तो क्या होगा, 18 में से 9 हो गया 9, फिर यहां पर 1 में से 1 गया यहां पर 0 और फिर 6 में 5 गया 1 बाई 12, यही होगा ना। अब क्या करेंगे, 3 चौके 12, 3 सत 21, 3 पंजे 15, अब 109 में 75 से गुणा करेंगे, 5 निमे 45, 5 एकम 5, 7 निमे 63, 7 एकम 7, 5 4 3 7 और 6 5 11, ये आ गया यहां पर 8175, डेसिमल 2 अंक के पहले लगाएंगे यहां पर 4, फिर यहां पर 4 से इसमें डिवाइड कर दो तो 4 दुनी 8, फिर क्या यहां पर 1 0 लगाओ 7, 4 4 16, फिर कितना आ गया यहां पर 4 3 12 दशमलव, फिर 4 7 28, 4 5 20, है ना। तो ये आया तुम्हारा यहां पर 204375, तो यहां पर 2 अंक के पहले और इधर 2 अंक के, ये आ जाएगा यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर हमारा आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब क्या हमें फाइंड करना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस
लिख देता हूं मैं यहां पर एपीबी का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस लघुवृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब एपीबी का क्षेत्रफल शॉर्ट में मैंने लिख दिया। तो पाई का मान क्या 3.14, रेडियस कितना हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 15 और माइनस लघुवृत्तखंड का क्या एरिया 20.4375। अब क्या करेंगे यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में 15 से करोगे तो क्या आएगा 225 225 और फिर 314 से मल्टीप्लाई कर दो गुणा कर दो 4 5 20 4 2 8 2 10 4 2 8 1 9 5 2 2 फिर 3 5 15 3 2 6 7 3 2 6 0 5 9 2 11 और 5 16 ये आ गया 70650। समझ लो यहां पर दो अंक पहले लगाएंगे माइनस 20.4375 तो 706.50 में से माइनस करेंगे 20.4375 यहां जीरो लगाएंगे यहां पर 10 में से 5 गया 5 9 में से 7 गया 2 9 में से 3 गया 6 यहां 4 में से 4 गया 0 6 और फिर यहां 10 में से 2 गया 8 6 तो हमारा आंसर कितना आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया है ना। ये क्या आ गया दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल।